दोस्तों, अगर आपने भी बजाज फाइनेंस से किसी भी प्रकार का कोई लोन लिया है या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी ईएमआई अगर आपका बजाज फाइनेंस के थ्रू चल रही है और इस कोविड-19 यानी कि कोरोना की बीमारी के अंदर और लॉकडाउन की वजह से आपकी जॉब छूट गई है, अब आप इस पेमेंट को नहीं भर सकते या फिर आप चाहते हैं कि मैं इस पेमेंट को नहीं भरना चाहता, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल्स के साथ बताऊँगा कि आप इस पेमेंट को अगर नहीं भरेंगे तो क्या होगा, अगर आप नहीं भरना चाहते हैं तो क्या होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लोन दो प्रकार के होते हैं, एक सिक्योर लोन होता है और एक अनसिक्योर लोन होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अनसिक्योर लोन के बारे में, जो कि आपने अगर अनसिक्योर लोन लिया है तो ही आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, नहीं तो आपको नहीं देखना है। दोस्तों, अनसिक्योर लोन क्या होता है मैं आपको बता दूं। अनसिक्योर लोन वो होता है जो कि आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू आपने अगर किसी भी प्रकार का कोई लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है, तो उसको अनसिक्योर लोन बोलते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आपने इस प्रकार का कोई भी लोन लिया है और अगर आप उस ईएमआई को नहीं भरना चाहते हैं या फिर अगर आपकी ईएमआई लगातार बाउंस हो रही है, तो सिर्फ आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप नहीं भरना ही नहीं चाहते हैं तो आप मत भरो इसको। लेकिन उससे नुकसान क्या होगा, आपका सिविल स्कोर सिर्फ ख़राब हो जाएगा। अगर आपका अमाउंट हाई है यानी कि 50,000 या फिर 1 लाख 2 लाख ऐसा अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है, तो आपको क्या करता है बजाज फाइनेंस ने, अगर 3 ईएमआई अगर बाउंस हो जाती है तो आपको एक नोटिस भेज है, कोर्ट के थ्रू आपको एक नोटिस आता है, आपके घर पे आता है वो नोटिस, और वो नोटिस के जरिए आपको कोर्ट में जाना होता है और कोर्ट में आपको बताना है कि मेरा जो इनकम सोर्स रहता है वो भी है नहीं, बंद हो गया है। तो आपको वहाँ पे क्या होगा कि आप अपनी इच्छा अनुसार यानी कि हर महीने 100, 200, 500 या ऐसे कोई भी अमाउंट को भर के उस ईएमआई को पूरा कर सकते हैं। अगर आप नहीं भरना चाहते दोस्तों, तो अगर आपका अमाउंट लो यानी कि 10,000, 20,000 या 30,000 ऐसा अमाउंट है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस लोन को नहीं भरेंगे तो भी आपके साथ कुछ भी गलत होने वाला नहीं है, सिर्फ आपको आपका सिविल स्कोर को डाउन करेगा, बाकी कुछ भी नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपने किसी लोन की अगर कोई भी ऐसी ईएमआई चल रही है तो उसके बारे में कुछ भी ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर पर्सनल लोन कोई भी आधार कार्ड या पैन कार्ड की वजह से लेता है तो सिर्फ उसका सिविल स्कोर ही ख़राब होता है, बाकी कुछ भी प्रॉब्लम आपके ऊपर आने वाली नहीं है। तो ऐसे में अगर आप नहीं भर पा रहे या फिर आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है भरने का, तो आप नहीं भरेंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोन को भरते जैसे भी करके अगर लोन को चुका देते हैं, तो आपको क्या बेनिफिट होगा कि भविष्य में अगर आप सिविल स्कोर अगर आपका अच्छा होगा तो आपको भविष्य में किसी भी बैंक से आपको लोन मिल जाएगा। अगर आपने एक बार किसी भी बैंक से सिविल स्कोर ख़राब करवा दिया तो फिर आपको कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देंगी, फिर आपको कोई छोटी मोटी बैंक से लोन लेके आपको सिविल स्कोर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, यानी कि उसको रेगुलर पेमेंट करके आपके सिविल स्कोर को बढ़ाना पड़ेगा, फिर ही आपको कोई भी कंपनी आगे कोई लोन देगी। तो बस अगर आपका कोई भी ऐसा ही पेमेंट इस वजह से नहीं भर रहे, 10,000, 20,000, 30,000 इतना ही अमाउंट है, तो आप उस अमाउंट को छोड़ दे, नहीं भरना है आपको, सिर्फ आपका सिविल स्कोर ख़राब होगा, बाकी कुछ भी नहीं होने वाला, कोई केस नहीं होता है, कोई उसके लिए कुछ नहीं करता, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी रहती है तो उसके लिए 10,000, 20,000, 50,000 तक कोई भी आपके ऊपर केस नहीं करता है, नहीं कोर्ट के अंदर आपको यह करना पड़ता है। सिर्फ वो सामने से आपको फ़ोन करके सिर्फ बोलते कोर्ट में आना पड़ेगा, वहाँ आना पड़ेगा, ये आना पड़ेगा, आपको सिर्फ हाँ हाँ बोलना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देख के आपको ये तो पता चल गया रहेगा कि अगर आप लो अमाउंट है अगर 10,000, 20,000 या 50,000, तो ऐसे में सिर्फ आपका सिविल स्कोर ख़राब हो सकता है, बाकी कुछ भी तकलीफ नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।